Swayam Prabha, Digital India, Educated India. सभी लोगों को नमस्कार गुड मॉर्निंग जो विषय है जो डिस्कस करने हम लोग जा रहे हैं इस विषय का नाम है प्रशासनिक विधि प्रशासनिक विधि क्या है इसको कितने लेक्चर में हम लोगों ने डिवाइड किया है इस सब पे आने के पहले मैं आपको अपना संक्षिप्त परिचय बता दूं मेरा नाम डॉक्टर प्रमोद तिवारी है मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय में सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ मेरी पढ़ाई लिखाई बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हुई है और मैं टीचिंग प्रोफेशन ज्वाइन करने के पहले न्यायिक अधिकारी था आसाम न्यायिक सेवा परीक्षा के थ्रू तो ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है अब जो विषय है ये है प्रशासनिक विधि तो प्रशासनिक विधि के बारे में मैं आपको बताऊं ये प्रशासनिक विधि क्या है प्रशासनिक विधि यह बताती है कि जो प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं जो अधिकारी हैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं इनके क्या कर्तव्य हैं इनके क्या पावर्स हैं इनके क्या ड्यूटीज हैं इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और इनके क्या विवेकाधिकार प्रदान किए गए हैं इनके विवेकाधिकार के शक्तियों पे क्या नियंत्रण है और अगर ये अपने पावर का यूज करते हुए किसी के अधिकारों को अगर डिस्टर्ब कर देते हैं तो इनके लिए क्या उपचार उपलब्ध है तो ये सारी बातें इसमें बताई गई हैं और ये प्रशासनिक विधि जो है या संवैधानिक विधि से बड़ी जुड़ी हुई है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का ये सिस्टर बोलते हैं इसको सिस्टर कंसर्न है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से निकल के आती है संवैधानिक विधि से निकल के आती है जो देश की सर्वोच्च विधि है तो प्रशासनिक विधि ये है इसमें हम लोग प्रशासन के क्रियाकलापों के बारे में उनके अधिकार दायित्व कर्तव्य और शक्तियों के बारे में डिस्कस करेंगे अब इस सब्जेक्ट को हम लोगों ने दस भाग में डिवाइड किया है दस लेक्चर है और एक एक लेक्चर करके हर एक जो इंपॉर्टेंट से टॉपिक हैं, हर एक लेक्चर में हम लोग टेकअप करेंगे आज जो पहला हमारे लेक्चर का टॉपिक है उसकी टाइटिल आप देख लें अगर स्क्रीन पे मैं अभी शेयर कर रहा हूं उसको देखिए आपके आए पहली टाइटिल तो फर्स्ट टाइटिल है प्रशासनिक विधि की संकल्पना परिभाषा स्रोत तथा ऐतिहासिक विकास तो ये सारी चीज़ हम लोग इसमें देखेंगे प्रशासनिक विधि की संकल्पना क्या है व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इसके बाद हम लोग देखेंगे डेफिनेशन क्या है इसकी परिभाषा क्या है कैसे हम इसको परिभाषित कर सकते हैं इसके बाद हम स्रोत की बात करेंगे कहाँ से निकल के आया इसके सोर्सेस क्या हैं इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ये इंग्लैंड से लेके अमेरिका से लेके और फ्रांस से लेके और भारत तक ये कैसे विकास किया तो इस सारी चीज़ों को हम लोग विषय वन में डिस्कस करने जा रहे हैं तो अब इसको एक एक करके हम लोग डिस्कस चूंकि बहुत ही वास्ट है सब्जेक्ट वन अब इसको हम छोटे छोटे टॉपिक में आगे डिवाइड करें हैं तो आगे आप इसको देखिए जो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें यह है पहली स्लाइड जिसमें प्रशासनिक विधि का अर्थ प्रकृति तथा क्षेत्र प्रशासनिक विधि का उद्देश्य उपयोगिता एवं महत्व तो इसकी बात हम लोग करेंगे तो देखिए इसमें प्रशासनिक विधि का अर्थ क्या है प्रशासनिक विधि का अर्थ और प्रकृति क्या है पहले हम लोग इसकी बात करेंगे पहले हम जाने पहले यह विषय है क्या तो मैंने आपको शुरू में बता दिया बड़े ही कॉमन भाषा में बताया कि इसको हम क्या बोलते हैं प्रशासनिक विधि ऐसी विधि है जो प्रशासन में बैठे हुए लोगों के शक्तियों इनके कार्यों इनके रिस्म, इनके दायित्वों इनके दायित्वों के ऊपर निर्बंधन इनके विवाद विवेकाधिकार की शक्तियों और इनके शक्तियों के दुरुपयोग से अधिकार के हनन से जो आपको उपचार उपलब्ध है उस सब की प्रक्रिया की बात करती है तो प्रशासनिक विधि में ये सारी चीज़ें दी गई हैं तो पहले हम लोग उस सारे बात पर ना जा करके हम लोग ये देखेंगे इसका अर्थ और प्रकृति क्या है हम इसको डिफाइन कैसे कर, कर सकते हैं हम इसको जान कैसे सकते हैं कि अच्छा ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है तो कॉमन पेरलेंस में तो हम लोग समझ गए कि चलो जो अधिकारी हैं जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके कर्तव्य उनके दायित्व तो उनके ऊपर नियंत्रण इस सब की बात करती है लेकिन थोड़ा सा हम इसके लीगल डेफिनेशन में जाते हैं इसमें कानून में इसकी क्या परिभाषा बताई गई है तो कई ऐसे स्कॉलर्स हैं बड़े बड़े ग्रेट फिलासफर्स हैं जिन्होंने प्रशासनिक विधि को अपनी अपनी भाषा में परिभाषित किया है तो वैसे तो सारे चीज लोगों को मैं यहाँ पे रेफर नहीं कर सकता क्योंकि टाइम का बहुत ही शॉर्टेज है हमारे पास एक घंटे के अंदर इस पूरे टॉपिक को हमको समप करना है तो इसमें जो बड़े इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स हैं हम उनके डेफिनेशंस को लेकर के और आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि कैसे लोगों ने प्रशासनिक विधि को डिफाइन किया है चूँकि प्रशासनिक विधि का उद्भव अगर आप देखेंगे तो ये वेस्ट से शुरू हुआ है ये पश्चिमी देशों से शुरू हुआ है इंग्लैंड और अमेरिका में फ्रांस में इसका ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ भारत में तो स्वतंत्रता के पूर्व थोड़ा बहुत हुआ स्वतंत्रता के बाद संविधान आने के बाद भी इसका डेवलपमेंट हुआ है लेकिन भारत का अगर प्रशासनिक विधि के रूप में आप देखेंगे तो कम डेवलपमेंट हुआ है लेकिन ऐसा भी नहीं है प्रशासन के रूप में अगर भारत के इतिहास में आप जाएँ तो भारत तो बहुत ही ओल्डेस्ट सिविलाइज स्टेट है और यह करीब करीब इसकी सभ्यता आप देखेंगे दस हज़ार साल पुरानी सभ्यता का देश है तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ प्रशासनिक विधि नहीं थी प्रशासनिक विधि हमारे यहाँ राम राज्य से ही शुरू थी और राम राज्य सबसे गोल्डन एडमिनिस्ट्रेशन सबसे ओल्डेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन था पूरे वर्ल्ड में तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास था नहीं लेकिन जो अगर हम मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की बात करते हैं तो इसको हम इंग्लैंड और अमेरिका से शुरू करते हैं अदरवाइज अगर हम एंशियट में जाएंगे तो इंडिया में बहुत ही ज़्यादा इसमें डेवलपमेंट हुआ था सबसे बढ़िया एडमिनिस्ट्रेशन अगर आप देखेंगे तो राम राज्य को मॉडल एडमिनिस्ट्रेशन कहते थे पूरे विश्व में जिसमें राजा का क्या कर्तव्य है प्रजा का क्या कर्तव्य है मंत्रियों का क्या कर्तव्य है गुप्तचर कैसे काम करेगा कैसे स्ट्रेटजी बना के लड़ाई करेंगे कैसे हम गुड गवर्नेंस को एस्टेब्लिश करेंगे पॉलिसी को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे ये राम में अगर आप देखेंगे सारी इसी आपको मिलेंगी तो ऐसा नहीं है दस हजार साल पहले भी यह विधि हमारे पास थी लेकिन जो फॉर्मेट के रूप में डेफिनेशन के रूप में हम बात करें तो यह वेस्ट के कुछ स्कॉलर्स ने इसको डिफाइन किया है तो हम वहीं से शुरू करेंगे जो वेस्ट के लोगों ने डिफाइन किया है हम बहुत अंदर इसको एंसियंट एरा में और इंडियन एरा में लेके नहीं जा रहे हैं तो आप इसको देखें कुछ कुछ स्कॉलर को मैं रेफर कर रहा हूं जैसे इसमें मैं इसमें स्क्रीन पर लिखूंगा उन लोगों का नाम भी और उनके डेफिनेशन का मुख्य बात भी मैं लिखूंगा जैसे सबसे पहले स्कॉलर ने जिन्होंने इसको डिफाइन किया है उनका नाम है देखे उनका नाम है जेनिंग्स जेनिंग्स जो है ये एक स्कॉलर है जेनिंग्स जेनिंग्स इन्होंने इसको डिफाइन किया है जेनिंग्स कैसे इसको डिफाइन करते हैं मैं बता रहा हूं इन्होंने डिफाइन किया है कि प्रशासनिक विधि प्रशासन से संबंधित विधि है ये बड़ा सिंपल सा बताते हैं कि प्रशासनिक विधि जो है यह प्रशासन से संबंधित विधि है यह प्रशासनिक प्राधिकारियों के संगठन उनकी शक्तियों और कर्तव्यों को अवधारित करती है यह प्रशासनिक अधिकारियों के संगठन एक तो इनके संगठन की ये बात करते हैं देखिए है, संगठन दूसरा ये बताते हैं कि यह उनकी शक्तियों उनकी शक्तियों को बताता है और तीसरा ये बताते हैं कि वह उनके कर्तव्यों को बताता है कर्तव्यों को बताता है ध्यान दीजिए तो ये इनकी डेफिनेशन है कि प्रशासनिक विधि जो है प्रशासनिक प्राधिकारियों के संगठन की बात करता है उनके शक्तियों की बात करता है उसके कर्तव्यों की बात करता है इसका मतलब कैसे कोई प्रशासनिक प्राधिकारी संगठित होगा अगर उसके अपॉइंटमेंट की बात है उसके सिलेक्शन की बात है उसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात है तो कैसे वो बनेगा दूसरा अगर वो बन गया तो उसको क्या शक्तियां प्रदान करी गई हैं और उन शक्तियों को पालन करने के लिए उसको क्या कर्तव्य प्रदान किया गया है विधि के द्वारा तो वो कानून जो प्रशासनिक प्राधिकारियों के संगठन के उनके कर्तव्यों के और उनके शक्तियों की बात करता है ऐसे विधि को हम प्रशासनिक विधि कहते हैं ये जेनिंग्स के अनुसार इस तरीके की बात है हालांकि जेनिंग्स ने जब ये डेफिनेशन दिया तो इनकी इस परिभाषा को इसके इस अर्थ को जो उन्होंने स्पष्ट किया इसको बड़ा क्रिटिसाइज किया गया और स्कॉलर्स के द्वारा उनका कहना था कि केवल प्रशासनिक विधिवस तीन ही चीज की बात करती है केवल संगठन की कर्तव्य और शक्तियों की बात करती है कहते हैं कि जेनिंग्स ने बहुत चीज़ों को छोड़ दिया जेनिंग्स ने क्या क्या छोड़ दिया इन्होंने ये छोड़ दिया कि भाई अगर ये इनको नियंत्रण कैसे करेंगे ठीक है इनको शक्तियाँ आपने दे दिया इनको कर्तव्य दे दिया लेकिन अगर ये शक्तियों का दुरुपयोग करेंगे तो इनको नियंत्रण कैसे करेंगे तो इस पर डेफिनेशन साइलेंट है तो इस पॉइंट पर क्रिटिसाइज किए जाते हैं कि भाई आपने नियंत्रण की तो बात ही नहीं करा दूसरा कहते हैं कि अगर ये शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं और उससे किसी के अधिकारों का हनन हो जाता है तो उसमें उपचार की क्या व्यवस्था है इस डेफिनेशन में वो भी बात नहीं है तो ये डेफिनेशन बस इतनी बताती है कि वह विधि जो प्रशासनिक प्रशासनिकाधिकारियों के संगठन कर्तव्यों और शक्तियों की बात करें उसको हम प्रशासनिक विधि कहते हैं तो इसमें उपचार मिसिंग है इसमें उनके विवेक पे नियंत्रण मिसिंग है तो इसको लेकर के इसको क्रिटिसाइज किया जा सकता है किया गया है बहुत स्कॉलर ने इसको क्रिटिसाइज किया है तो ये जेनिंग्स की डेफिनेशन है अब एक दूसरे विद्वान पे चलते हैं थोड़ा सा उन्होंने कैसे इसको डिफाइन किया है तो दूसरे का नाम है मैं इस पर लिखने जा रहा हूं देखिए दूसरे का नाम है एवी डायसी बड़े ही प्रॉमिनेंट स्कॉलर हैं इसको वेस्ट में बड़े बड़े ही आदर के साथ इनका नाम लिया जाता है और भारत में भी अगर आप देखेंगे तो ये विधि के शासन के जनक हैं इनको बोलते हैं फादर ऑफ रूल ऑफ लॉ तो एवी डायसी ए वी डायसी एवी डायसी प्रोफेसर एवी डायसी ये ब्रिटेन से आते हैं ब्रिटेन के स्कॉलर हैं। इनकी क्या डेफिनेशन इनकी डेफिनेशन को देखिए मैं बताता हूं डाइसी साहब बोलते हैं कि प्रशासनिक विधि ऐसी विधि है जो राज्य के समस्त अधिकारियों की विधिक प्रास्थिति और दायित्वों को अवधारित करती है राज्य के समस्त अधिकारियों की विधिक प्रास्थिति और दायित्व ध्यान दीजिए दो चीजों की बात करते हैं ये विधिक प्रास्थिति विधिक प्रास्थिति और विधिक प्रास्थिति और दूसरा ये कहते हैं कि उनके दायित्वों को अधिरोपित करती है दायित्वों को अधिरोपित करती है इनकी विधिक प्रास्थिति क्या है इनके दायित्व क्या है किनके प्रशासनिक प्रा प्राधिकारियों के प्रशासनिक प्राधिकारियों की प्रास्थिति क्या है प्रास्थिति विधिक प्रास्थिति का मतलब लीगल स्टेटस क्या है इनका तो 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 जो जो प्रशासनिक प्राधिकारी है इनकी विधिक परि को जो कानून डिस्कस करे उनके दायित्व को जो कानून डिस्कस करे ऐसे कानून को हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ तो ये भी दो ही बात पर फोकस करते हैं अगर एवी डाइसी की आप बात करेंगे ये दायित्व दा प्रास्थिति की बात करते हैं और दायित्व की बात करते हैं और बहुत चीजें छोड़ दी हैं अपने डेफिनीशन में तो इनकी भी डेफिनीसन इस पॉइंट पर बड़ी क्रिटिसाइज की गई है और स्कॉलर्स के द्वारा कि भाई केवल विधिक प्रास्थिति और दायित्वों की बात है प्रशासनिक विधि में ऐसी बात नहीं है ये बात तो है ये बहुत मुख्य बात है जो इन्होंने बताया लेकिन इसके अलावा और बहुत ऐसे पॉइंट थे जिसको इन्होंने समझाने में अपने डेफिनेशन में फेल कर गए और इसलिए इनके डेफिनेशन की बड़ी क्रिटिसिजम हुआ कि भाई आपने तो नहीं बताया कि इनके विवेकाधिकार क्या है ये तो नहीं बताया आपने दायित्व तो बता दिया विवेक

प्रशासनिक विधि प्रशासनिक अधिकारियों के क्रियाकलापों और शक्तियों के नियंत्रण से संबंधित है ध्यान दीजिए तो इन्होंने थोड़ा सा इसको रिफाइन करते हुए बोला है कि प्रशासनिक विधि वह विधि है जो प्रशासनिक प्राधिकारियों के क्रियाकलापों और शक्तियों के नियंत्रण से संबंधित है क्रियाकलाप तो इनके क्या है एक्टिविटीज क्या है क्रियाकलापों से और शक्तियों के नियंत्रण से ध्यान दीजिए शक्तियों का नियंत्रण शक्तियों का नियंत्रण क्रियाकलापों से और शक्तियों के नियंत्रण से संबंधित है ये बात इन्होंने बताया तो इनके क्रियाकलापों को बताता है प्रशासनिक विधि किनके क्रियाकलापों को प्रशासनिक अधिकारियों के और इनके शक्तियों का नियंत्रण क्या है इसको बताता है इन दो बातों को बताता है और आगे ये कहते हैं कि जो संरचना से अधिक कर्तव्यों पर बल देती है ध्यान दीजिए एक और चीज है कर्तव्य पे को भी इम्फेसाइज करते हैं कर्तव्यों को संरचना से ज्यादा कर्तव्यों को ये इम्फेसाइज करती है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ तो मेनली स्पीकिंग ये तीन बात पे जोड़ देते हैं कहते हैं वह विधि जो प्रशासनिक अधिकारियों के क्रियाकलापों के बारे में बात करती है जो प्रशासनिक अधिकारियों के विवेक के नियंत्रण की बात करती है और जो प्रशासनिक अधिकारियों के कर्तव्यों की बात करती है ऐसे विधि को हम प्रशासनिक विधि कहते हैं तो इन्होंने एक तरीके से एक स्टेप आगे बढ़ाया जिसमें इन्होंने नियंत्रण की बात करा कि अगर ये विवेक का दुरुपयोग करेंगे तो नियंत्रण कैसे किया जाएगा उस विधि में ये भी डिस्कस होना चाहिए तब वो प्रशासनिक विधि का हिस्सा होगी तो अभी तक जो ऊपर जो आपने जेनिंग्स की डेफिनेशन और डाइसिस आपकी डेफिनेशन देखा इन दोनों ने नियंत्रण की बात नहीं करा लेकिन वेड ने सबसे पहले नियंत्रण की भी बात करा कि इनके विवेकाधिकारों के नियंत्रण वाली विधि को प्रशासनिक

नेक्स्ट जो है उनका नाम है स्वार्ड्ज ये भी बड़े सेलिब्रेटेड स्कॉलर हैं वेस्ट के स्वार्ड जी हैं देखिए इनका मैं नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ स्वार्ड जी का इन्होंने इसको कैसे डिफाइन किया हुआ है स्वार्ड स्वार्ड जी ने इसको डिफाइन किया है कैसे स्वार्ड स्वार्ड ये भी एक स्कॉलर है इन्होंने इसको कैसे डिफाइन किया है मैं इसको इनके डेफिनेशन को देखिए एक बार कहता हूं प्रशासनिक विधि के को तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है इनका कहना है प्रशासनिक विधि को तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है पॉइंट 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 नंबर 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 और तीन भागों में में इसको डिवाइड किया जा सकता है प्रशासनिक अधिकरणों निहित शक्तियां ध्यान दीजिए शक्तियों की बात करते हैं शक्तियां दूसरा ये है कहते हैं इन शक्तियों के प्रयोग पर विधि द्वारा अपेक्षाएं विधि की अपेक्षाएं क्या हैं अपेक्षाएं क्या है? और हैं और तीसरा ये कहते हैं विधि विरुद्ध प्रशासन के विरुद्ध उपचार तो इन्होंने थोड़ा और इसको रिफाइन रिफाइन कर कर दिया दिया जो की डेफिनेशन थी इसमें थोड़ा और इन्होंने कहा कि भाई तीन बातें हैं एक तो शक्तियां क्या हैं आपकी जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी शक्तियों को बताने वाली विधि उन शक्तियों से विधि की अपेक्षाएं क्या हैं उसको बताने वाली विधि विधि की अपेक्षाएं का क्या मतलब जैसा कानून चाहता है वैसा ही आप काम करेंगे कानून से इतर जाके काम नहीं करेंगे अगर इतर जाके काम करेंगे तो उसके लिए व्यवस्था होगी और क्या व्यवस्था होगी वो तीसरा पॉइंट है उपचार की व्यवस्था होगी अगर आप इतर जाके काम करेंगे और किसी के अधिकारों का हनन होगा तो उसके लिए उपचार की क्या व्यवस्था होगी ये भी उस विधि में वर्णित होगा तो ऐसे विधि को प्रशासनिक विधि कहेंगे तो अगर आप इनकी स्वार्ड के डेफिनेशन को देखेंगे तो स्वार्ड साहब ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया इन्होंने तीनों एलिमेंट को समाहित कर लिया तो इसलिए इनकी डेफिनेशन की बड़ी कम क्रिटिसिज्म हुआ है क्योंकि इन्होंने एक तो बता दिया कि भाई आपके दायित्व क्या है दूसरा बताता है उन दायित्वों को पूरा करने में विधि की अपेक्षाएं क्या है माने आप डिस्क्रिशनरी पावर का बड़ा ही समुचित उपयोग करेंगे और तीसरा कहते हैं अगर बाई द वे आपसे समुचित उपयोग नहीं हो पाया और किसी के अधिकार का हनन हो गया तो उसमें उपचार का क्या प्रबंध है ये तीनों कॉम्पोनेंट को समाहित करते हुए कहते हैं ऐसी विधि को हम प्रशासनिक विधि कहेंगे तो इनकी डेफिनेशन थोड़ी और अच्छी थी तो ये था स्वर्ट का डेफिनेशन अब आगे हम बढ़ते हैं इसको समप करते हुए एक दो डेफिनेशन के बाद हम समप करके आगे बढ़ेंगे तो अर्थ और प्रकृति हम लोगों का पूरा हो जाएगा नेक्स्ट देखिए जो स्कॉलर हैं जिनका नाम हम लिखने जा रहे हैं स्क्रीन पे, उनका नाम है ग्रिफिथ और स्ट्रीट ये भी बड़े बड़े सेलिब्रेटेड स्कॉलर हैं ग्रिफिथ एंड स्ट्रीट ग्रिफिथ, ग्रिफिथ एंड स्ट्रीट ग्रिफिथ और स्ट्रीट ग्रिफिथ एंड स्ट्रीट ये एक स्कॉलर है इनका क्या कहना है ये कहते हैं प्रशासनिक विधि में तीन क्वेश्चन का आंसर है वह विधि जिसमें इन तीनों क्वेश्चन का आंसर हो उसको हम प्रशासनिक विधि कहेंगे कौन कौन तीन क्वेश्चन पहला क्वेश्चन इनका क्या है फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन कहते हैं प्रशासन किस प्रकार की शक्तियों का प्रयोग करता है प्रशासन किस प्रकार की शक्तियों का प्रयोग करता है माने शक्तियां क्या हैं जो कानून बता दे क्वेश्चन मार्क वट आर दी पावर्स टू दिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जो कानून इस लाइन का उत्तर बताएगा ऐसे कानून को हम कहेंगे प्रशासनिक विधि तो जो शक्तियों को बताए पॉइंट नंबर वन। दूसरा देखिए पॉइंट नंबर उन शक्तियों की सीमाएं क्या हैं? ध्यान दीजिए उन शक्तियों की सीमाएं क्या हैं? सेकेंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन इज वे तरीके क्या है जिनसे प्रशासन को उक्त सीमाओं के अंदर रखा जाए तरीके क्या हैं जिससे प्रशासन को उक्त सीमाओं के अंदर रखा जाए तो ये तीन ये तीन क्वेश्चन पूछते हैं कहते हैं, इनकी क्या तो इनके भले अलग हैं लेकिन अगर स्वार्ड के डेफिनेशन को देखेंगे तो स्वार्ड का डेफिनेशन से बड़ा मिलता हुआ है इन्होंने तीनों बातों की तीनों बिंदुओं की बात करा इन्होंने ये कहते हैं भाई आपकी शक्तियां क्या हैं तो वह कानून जो आपके शक्तियों को बताता है कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिसर्स हैं इनके पावर्स पावर्स तो उनके को बता दिया वो है लॉ दूसरा बताता है उस पावर्स के ऊपर लिमिटेशंस क्या है सीमाएं क्या है टू व्हाट एक्सटेंट यू कैन यूज योर पावर तो वो एक्सटेंट जो है जो लिमिट है उसको हम बोलते हैं सीमाएं लक्ष्मण रेखा हर जगह होती है उसके बाहर आपको नहीं जाना है हालांकि आपको यू आर द डीएम ऑफ अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट तो बहुत ज्यादा पावर आपको दिया गया है कानून के द्वारा लेकिन बहुत ज्यादा पावर का क्या मतलब क्या उस पावर के दुरुपयोग में आप कुछ भी कर देंगे नहीं तो उसके कुछ लिमिटेशन भी होंगे भले आप बड़े अधिकारी हैं लेकिन आपके भी अपने लिमिटेशन है तो उस लिमिटेशन के दायरे में आपको काम करना है और तीसरा तरीके क्या है कि आपको उस लिमिटेशन में रखा जाए अगर आप न रहना चाहते हैं तो इसका मतलब उपचार क्या है अगर आप उन सीमाओं को लांग करके किसी के अधिकारों का हनन करते हैं तो उसके लिए उपचार क्या है तो ये तीनों चीजों को ये भी बताते हैं तो जो स्वाट की डेफिनेशन थी उस डेफिनेशन से इनकी भी डेफिनेशन मिलती है तो ग्रिफिथ एंड स्ट्रीट ने और भी इसको कंसाइज और प्रिसाइज किया है जिसमें सारे एलिमेंट्स को जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में होना चाहिए उस सब को इन्होंने जोड़ लिया है तो ये था ग्रिफिथ और स्ट्रीट के डेफिनेशन अब आगे हम चलते हैं निष्कर्ष पे कि कुल जो चार पांच स्कॉलर्स को हम लोगों ने देखा हम लोगों ने जेनिंग्स को देखा हम लोगों ने एवी डाइसी को देखा हम लोगों ने वेड को देखा हम लोगों ने स्वाडज को देखा और हम लोगों ने ग्रिफिथ एंड स्ट्रीट को देखा तो इन पांचों अगर हम स्कॉलर्स की बात करें तो इसमें निष्कर्ष क्या निकलता है तो निष्कर्ष के लिए स्क्रीन पे मैं आता हूँ और सबको हटा करके मैं निष्कर्ष पे आता हूँ ताकि मैं एक प्रेसाइज लाइन में भी आपको बता सकूँ कि नहीं ये है डेफिनीसन जिसको आप अप समझ सकते हैं प्रशासनिक विधि को समझने के दौरान तो देखिए निष्कर्ष क्या है इसमें निष्कर्ष निष्कर्ष क्या है तो पूरे अर्थ और प्रकृति का निष्कर्ष क्या निकलेगा निष्कर्ष निकलेगा कि इस प्रकार प्रशासनिक विधि को उस विधि के रूप में समझा जा सकता है जो प्रशासनिक प्राधिकारियों की शक्तियों और कृत्यों के प्रयोग के अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया तथा उनकी शक्तियों के नियंत्रण के ढंग और उनके द्वारा अधिकारों के उल्लंघन में मामले में उपचारों के संबंध में प्रावधान करते निष्कर्ष के तौर पे तीन चार बातें हैं शक्तियों के बारे में जो बात करे शक्तियों की सीमाओं के बारे में जो बात करे शक्तियों के पालन के तरीके के बारे में जो बात करे और अगर इसका उल्लंघन हो जाए तो उपचार की जो बात करे ध्यान दीजिए तो एक दो तीन चार निष्कर्ष पे हम लोग ये निकल रहे हैं चारों पांचों स्कॉलर को पढ़ने के बाद कि अगर ये सारी बातें हों उसमें जिसमें कि वह विधि जो उनके शक्तियों को बता दे कि वॉट आर द पार ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स इसके बाद वो बता दे कि वॉट आर द लिमिटेशन ऑवर दोज पार्स इसके बाद वो बता दे कि वॉट आर द मेथड थ्रो विच दे कैन यूज देयर पार्स और लास्टली ये बता दे कि इफ दे मिस यूज देअर पार एंड देयर वाई राइट ऑफ वायलेटेड तो उसके लिए वॉट आर दी रेमेडीज अवेलेबल अगर ये चारों चीज़ों को जो कानून बता देती है उसको हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ निष्कर्ष के तौर पर चारों पाँचों लोगों के पढ़ने के बाद हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं तो ये पहला पॉइंट था प्रशासनिक विधि का अर्थ और प्रकृति ये जो स्लाइड में आप देख रहे हैं फर्स्ट लाइन प्रशासनिक विधि का अर्थ और प्रशासनिक विधि की प्रकृति तो अर्थ और प्रकृति को हम लोगों ने समझा विद हेल्प ऑफ दीज फोर फाइव स्कॉलर्स और लास्टली हम लोगों ने कंक्लूड किया कि प्रशासनिक विधि का अर्थ और प्रकृति यह है ऐसी विधि जो प्रशासनिक अधिकारियों के शक्तियों की बात करता है जो प्रशासनिक अधिकारियों के शक्तियों के ऊपर सीमाओं की बात करता है जो प्रशासनिक अधिकारियों के शक्तियों के पालन के तरीके की बात करता है और जो ये बताता है कि प्रशासनिक अधिकारी अगर अपने शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी के अधिकारों का हनन कर दें तो उसमें जो पीड़ित पक्षकार है उसके लिए क्या उपचार की व्यवस्था है अगर ये चारों पाँचों चीज़ों की जो बात करेगा ऐसे कानून को हम कहेंगे प्रशासनिक कानून प्रशासनिक विधि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ तो ये था अर्थ और प्रकृति अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें जो पहली लाइन है हमारे स्लाइड में विधि प्रशासनिक विधि का अर्थ प्रकृति तथा क्षेत्र तो अब हम क्षेत्र की बात करते हैं ध्यान दीजिए अब इसके क्षेत्र पे आते हैं थोड़ा सा इसके क्षेत्र क्या क्या है तो अगर प्रशासनिक विधि के क्षेत्र की आप बात करेंगे तो तीन चार भाग में हम इसके क्षेत्र को बांट सकते हैं तीन चार भाग में बांट सकते हैं जिसको मैं स्क्रीन पे देखिए लिखने जा रहा हूं इसके क्षेत्र में पहला बात है प्रशासनिक प्राधिकारियों का गठन शक्तियां और कार्य जो इसका पहला क्षेत्र है वो किस चीज की बात करता है गठन शक्ति और कार्य ये इसका पहला है दूसरा जो इसका क्षेत्र है जिसको ये डिस्कस करता है प्रशासनिक विधि वो दूसरा क्षेत्र इसका है कि प्रशासनिक प्राधिकारियों द्वारा अपने कृत्य एवं शक्तियों के प्रयोग में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया कौन प्रक्रिया ये अपनाएंगे अपने शक्तियों को एग्जीक्यूट करने के लिए और तीसरा जो इसका क्षेत्र है वो क्या है तीसरा क्षेत्र कहता है कि इन शक्तियों पे नियंत्रण की पद्धति क्या है नियंत्रण की पद्धति क्या है कंट्रोल क्या है इसके ऊपर और चौथा जो इसमें है वो कहता है कि इसमें उपचार क्या उपलब्ध है चौथा जो है ये बताता है इसमें उपचार क्या उपलब्ध हैं तो ये चार चीजें हैं ध्यान दीजिए जो क्षेत्र की हम बात करें इस क्षेत्र को ले आके यहाँ पे मिला दीजिए और ये चार क्षेत्र हो गए इसके प्रशासनिक विधि के क्षेत्र में पहला हो गया प्रशासनिक प्राधिकारियों का गठन शक्ति और कार्य क्या है ये इसका क्षेत्र है फिर ये बताता है इसकी प्रक्रिया क्या है शक्ति को पालन करने में प्रशासनिक अधिकारियों की प्रक्रिया क्या है तीसरा बताता है ये अपने शक्तियों को कंट्रोल कैसे करेंगे नियंत्रण कैसे करेंगे और चौथा बताता है अगर ये नियंत्रण नहीं करेंगे और अधिकारों का आनंद होगा तो उपचार कैसे होगा तो इन चारों चीज़ों को हम लोग एक एक करके थोड़ा थोड़ा समझेंगे यहाँ पर बड़े ब्रीफली और बड़े कम समय में अब देखिए गठन शक्ति तथा कार्य इसमें ध्यान दीजिए इसको हम कई तो दो तीन पॉइंट्स से हम समझ सकते हैं जैसे एक तो इनकी शक्ति होती है प्रशासनिक अधिकारियों की जिनकी हम एग्जीक्यूटिव पावर बोलते हैं दूसरे को हम बोलते हैं क्वासी जुडिशियल पावर, क्वासी जुडिशियल, ध्यान दीजिए क्वासी जुडिशियल और तीसरे को हम बोलते हैं क्वासी लेजिस्लेटिव क्वासी लेजिस्लेटिव ये इतने होते हैं ध्यान दीजिए तो इनके गठन शक्ति और कार्य की जब हम बात करें मान लीजिए कोई भी प्रशासनिक प्रशासनिकाधिकारी है उसका गठन हो गया जैसे मान लीजिए डीएम की बात करें एसडीएम की बात करें या कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात करें उसका गठन हो गया गठन होने के बाद उसकी शक्ति की बात आती है कि वट आर दी पावर्स विच हैज बिन कन्फर्ड बाई लॉ टू हिम तो उस पावर्स के लिए किस किस तरीके के पावर प्रशासनिक पदाधिकारियों को दिया जा सकता है तो मेनली स्पीकिंग तीन पावर्स होते हैं पहले को हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव पावर कार्यपालकी पावर होते हैं उनको ये न तो लेजिस्लेचर के हिस्सा है और न ही ये जुडिशियरी के हिस्सा है अगर आप देखेंगे किसी भी राज्य में भारत जैसे देश में देखेंगे डेमोक्रेटिक कंट्री है तो हमारे राज्य के तीन आर्गन होते हैं पहले आर्गन को हम लेजिस्लेचर बोलते हैं दूसरे आर्गन को हम एग्जीक्यूटिव बोलते हैं और तीसरे आर्गन को हम जुडिशियरी बोलते हैं तीन है हमारे पास जिसको कार्यपालिका विधायिका और न्यायपालिका के नाम से जानते हैं और इन्हीं तीनों आर्गन से पूरा देश चलता है कार्यपालिका का काम क्या है कानून को इम्प्लीमेंट करना लागू करना विधायिका का काम क्या है कानून को बनाना और न्यायपालिका का काम क्या है कानून का निर्वचन करना और लोगों के अधिकारों को संरक्षित करना तो ये तीन हमारे पास आर्गन है ये जो प्रशासनिक विधि में प्रशासनिक अधिकारियों की बात हो रही है ये केवल एक आर्गन की बात करता है वह है एग्जीक्यूटिव आर्गन ये न तो लेजिस्लेचर की बात करता है न जुडिशरी की बात करता है ये दोनों आर्गन अलग हैं जिनके लिए संविधान में व्यवस्था है प्रशासनिक विधि केवल और केवल एग्जीक्यूटिव आर्गन की बात करता है तो इसमें जब हम गठन की बात करते हैं कि कैसे इनका गठन हो गया और क्या इनके पावर्स होंगे तो जब पावर्स की आप बात करेंगे तो इनके पावर्स में हमको यह ध्यान रखना है कि इनके पावर्स केवल और केवल एग्जीक्यूटिव पावर्स होंगे अब क्या केवल एग्जीक्यूटिव पावर होंगे देखिए साइंस का फार्मूला अलग है मैथमेटिक्स का फार्मूला अलग है जिसको आप वाटर टाइट कंपार्टमेंट में बंद कर सकते हैं जैसे एक्स एक प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई ये फार्मूला मैथमेटिक्स का ये ब्रैकेट में बंद किया जा सकता है लेकिन कानून के सोशल साइंसेस के फार्मूला को आप ब्रैकेट में और कमरे में वाटर टाइट कंपार्टमेंट में बंद नहीं कर सकते क्योंकि सोशल रिलेशंस हैं ये फ्लक्चुएट करते हैं और निश्चित रूप से इधर से उधर भी जाते हैं इसीलिए हालांकि प्रशासनिक विधि एग्जीक्यूटिव फंक्शन की बात करती है लेकिन क्या केवल एग्जीक्यूटिव फंक्शन है ना केवल एग्जीक्यूटिव फंक्शन नहीं है इसमें क्वासी जुडिशियल भी है और इसमें क्वासी लेजिस्लेचर भी है जुडिशियल तो नहीं है पूरा जुडिशियल नहीं है क्योंकि प्रशासनिक विधि जुडिशियल की बात ही नहीं करती लेकिन क्वासी जुडिशियल की बात करती है क्वासी जुडिशियल को बोलते हैं अर्ध न्यायिक ध्यान दीजिए क्वासी का मतलब अर्ध और जुडिशियल का मतलब न्यायिक पूरा न्यायिक नहीं लेकिन आधा न्यायिक अब जैसे आप देखेंगे बहुत ऐसे ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं बहुत ऐसे प्राधिकरण बने हुए हैं जो चीज़ों को डिसाइड भी करते हैं लेकिन जुडिशियल डिसीजन नहीं देते डिसाइड करते हैं चीज़ों को लेकिन उनका डिसीजन जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के थ्रू आता है तो इनको हम बोलते हैं क्वासी जुडिशियल जैसे इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल की बात कर लीजिए लेबर ट्रिब्यूनल की बात कर लीजिए तो इस तरीके से जो ट्रिब्यूनल बने हैं जगह जगह पर क्वासी जुडिशियल बॉडी हैं और क्वासी जुडिशियल बॉडी में लोगों के अधिकारों को ये डिफाइन तो करते हैं डिसाइड भी करते हैं आर्डर भी ग्रांट करते हैं लेकिन जुडिशियल पावर इनको कन्फर्म नहीं किया गया जुडिशरी के बराबर इनको पावर भी नहीं दिया गया ये है ये जुडिशियरी के सबऑर्डिनेट रखे जाते हैं उसी तरीके से क्वासी लेजिस्लेटिव भी हैं ये इनको जो पावर दिया जाता है पूरा लेजिस्लेचर का पावर नहीं दिया जाता क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ केवल एग्जीक्यूटिव ऑर्गन की बात करती है लेकिन क्वासी लेजिस्लेचर कई बार ये हो जाते हैं जैसे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जैसे मान लीजिए मुख्य तो कानून बनाना किसका काम है लेजिस्लेचर का लेकिन कभी कभी लेजिस्लेचर डेलीगेट करते दिए अपनी इस पावर को किसको एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स इसमें अपना अपना कानून बनाते हैं लेजिस्लेचर के डायरेक्शन से कानून बनाते हैं जिनको रूल रेगुलेशन बाई लॉज नोटिफिकेशन ऑर्डिनेंस ऑर्डर्स बोलते हैं तो इस तरीके से भी बनाए जाते हैं जो अगर आप आर्टिकल 13 पढ़ेंगे भारत का संविधान का तो उसमें डिफाइन किया गया व्हाट इज लॉ तो उसमें देखेंगे लॉ के डेफिनेशन में लिखा हुआ है लॉ इंक्लूड्स ऑर्डिनेंस ऑर्डर बाई लॉज रूल रेगुलेशन नोटिफिकेशन कस्टमाइड यूसेज तो ये जो रूल रेगुलेशन नोटिफिकेशन ये कौन बनाता है ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स बनाते हैं तो जब ये रूल रेगुलेशन बनाते हैं तो ये क्वासी लेजिस्लेटिव बॉडी हो जाते हैं जब ये प्राधिकरण में बैठ करके और जब ये डिसीजन देते हैं तब तो ये क्वासी जुडिशियल हो जाते हैं अदरवाइज इनका एग्जीक्यूटिव फंक्शन है तो कुल मिलाकर के जब हम इनकी शक्तियों की बात करते हैं तो हमको समझना पड़ेगा कि प्रशासनिक प्राधिकारियों शक्तियों का क्या मतलब तो प्रशासनिक प्राधिकारियों के शक्तियों का मतलब एग्जीक्यूटिव पावर इसका मतलब क्वासी लेजिस्लेटिव पावर इसका मतलब समटाइम्स क्वासी जुडिशियल पावर ठीक है ना तो ये इनके पावर की बात हो गई तो हम क्षेत्र की बात कर रहे हैं क्षेत्र में सबसे पहले है गठन शक्तियां और कार्य अब दूसरे पॉइंट पे आइए दूसरा पॉइंट कह रहा है क्या स्क्रीन पे जो मैंने हाथ से लिखा हुआ है दूसरा इनका क्षेत्र क्या है दूसरा क्षेत्र है इनका प्रक्रिया इस किस प्रक्रिया को फॉलो करोगे मान लीजिए एग्जीक्यूटिव पावर को परफॉर्म कर रहे हैं चाहे क्वासी जुडिशियल पावर को परफॉर्म कर रहे हैं चाहे क्वासी लेजिस्लेटिव पावर को परफॉर्म कर रहे हैं तीनों में से किसी को अगर ये परफॉर्म कर रहे हैं तो ये प्रक्रिया क्या अपनाएंगे प्रक्रिया को जो हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं फेयरनेस ध्यान दीजिए फेयरनेस जस्टनेस और रीजनेबलनेस ध्यान दीजिए निष्पक्षता होनी चाहिए युक्त युक्तता होनी चाहिए और स्वेच्छाचारिता नहीं होनी चाहिए इसको हम बोलते हैं प्रोसीजर ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा पावर और बहुत बड़ी कुर्सी मिल गई है तो जैसा मन करेगा वैसा काम करेंगे नहीं उसमें मनमानापन आ जाएगा जिसको हम स्वेच्छाचारिता बोलते हैं और मनमानापन समानता के अधिकार का वायलेशन है वह निष्पक्षता को दूर कर देता है और प्रशासनिक अधिकारियों को निष्पक्ष होना पड़ेगा जिसको हम रिजू प्रोसीजर बोलते हैं रिजू प्रक्रिया निष्पक्ष प्रोसीजर होना चाहिए नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट है नहीं तो रूल अगेंस्ट बायस हो जाएगा बायस तीन तरीके के होते हैं बायस तीन तरीके के होते हैं पहला बायस है क्या पर्सनल बायस दूसरा बायस क्या है ऑफिशियल बायस और तीसरा बायस है बायस इज टू सब्जेक्ट मैटर तो ऐसा बायसनेस नहीं आना चाहिए आप में आपको फेयरनेस लेकर के आना है जो नेचुरल जस्टिस के फेयरनेस का कॉन्सेप्ट है No ज इन ही तो यह नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल है दी थर्ड पार्टी ये नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल है इस सबको फॉलो करना पड़ेगा आपको जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के रूप में अपने शक्तियों का निर्वहन कर रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं प्रक्रिया आपको क्या फॉलो करना है तो प्रक्रिया में जस्टनेस फेयरनेस रीजनेबलनेस ये सब होनी चाहिए तो ये दूसरी बात थी अब तीसरे पॉइंट पे आए जो तीसरा इसका क्षेत्र है क्या है मैंने हाथ से लिखा हुआ है तीसरा इनका क्षेत्र है नियंत्रण इनके ऊपर कंट्रोल कैसे होगा तो देखिए नियंत्रण के लिए क्या है हमारे पास आप सुने भी होंगे कॉमन भाषा में सुने भी होंगे नियंत्रण के लिए हमारे पास कई कई ऑर्गन्स बनाए जाते हैं जैसे मान लीजिए आपने लोकपाल का नाम सुना होगा आपने का नाम सुना होगा आपने सीबीसी का नाम सुना होगा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का नाम सुना होगा आपने आपने सीबीआई का नाम सुना होगा और बड़े रिसेंटली इस समय आप ईडी का नाम सुन रहे होंगे बड़ा चर्चा में रहता है केजरीवाल जी से लेकर के और तमाम नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर के तो ये जितने आप इंस्टीट्यूशन को देख रहे हैं दीज दी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ये क्यों कॉन्स्टिट्यूट किए गए हैं ये इसलिए कॉन्स्टिट्यूट किए गए हैं टू सिक्योर द फेयरनेस एंड रीजनेबलनेस इन पब्लिक मैटर ऐसा नहीं है कि आप किसी कुर्सी पर बैठ गए हैं तो घोटाला करेंगे सब पैसा आप ही का है आपका नहीं है वो पैसा किसका है अगर भारत के संविधान की ओर नज़र आप डालेंगे तो लिखा हुआ है संविधान की प्रस्तावना में वी द पीपुल ऑफ इंडिया तो वो जो पैसा है वो किसी के किसी के हिस्से में नहीं है वो हम लोगों का है वी द पीपुल ऑफ इंडिया तो आप आप उसको घोटाला नहीं कर सकते आप अपने घर का उसको संपत्ति नहीं समझ सकते और अगर आप समझेंगे इसके लिए हमारे पास अम्बुस्डमैन है हमारे पास लोकपाल है हमारे पास सी है हमारे पास सी है हमारे पास ई है और ये सारी एजेंसियाँ

तो प्रशासनिक विधि के क्षेत्र में हम लोगों ने क्या देखा गठन शक्ति और कार्य इसकी प्रक्रिया इस पे नियंत्रण और उपचार में उपचार दो तरीके के हैं ध्यान दीजिए एक है संवैधानिक उपचार संवैधानिक उपचार और दूसरा है वैधानिक उपचार ध्यान दीजिए वैधानिक संवैधानिक और वैधानिक दो तरीके के उपचार हैं जिसको वैधानिक को कभी कभी हम सामान्य उपचार भी बोलते हैं सामान्य उपचार भी बोलते हैं तो इसको मैं बताऊं आपको संवैधानिक उपचारों पे आते हैं सबसे पहले मान लीजिए प्रशासनिक प्राधिकारियों ने अपने शक्तियों का प्रयोग किया और अपने शक्तियों का प्रयोग करके इन्होंने किसी के अधिकार का हनन कर दिया तो इनके हनन करने से क्या होगा हमारा मूल अधिकार मान लीजिए प्रभावित हो गया हमारी समानता का अधिकार है हमारे पास स्वतंत्रता का अधिकार है हमारे पास जीवन का अधिकार है हमारे पास धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है शिक्षा का अधिकार है अगर ये सब हमारा प्रभावित हो जाता है तो इसके लिए संविधान में क्या उपचार है तो संविधान में आप देखेंगे हमारे पास दो आर्टिकल है एक है आर्टिकल थर्टी और एक है आर्टिकल टू इसमें उपचार की व्यवस्था है हम सीधे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में अपने अधिकार के लिए दरवाजा खटखटा सकते हैं अगर हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है किसी भी प्राधिकारी के द्वारा अच्छा कोई भी प्राधिकारी जो है वो स्टेट है अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अभी मैं आपको बता दूं तभी आप रिट में जाएंगे 32 और 226 में क्योंकि अगर वो स्टेट नहीं होगा तो रिट मेंटेनेबल नहीं होगी क्योंकि रिट मेंटेन केवल स्टेट के अगेंस्ट होती है तो कोई भी पब्लिक प्राधिकारी है जो आपके अधिकारों का हनन करता है तो स्टेट है आर्टिकल ट्वेल्व में क्योंकि आर्टिकल ट्वेल्व में अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो लेजिस्लेचर गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी एंड अदर अथॉरिटी आर स्टेट अगर आर्टिकल ट्वेल्व को ध्यान से देखें हालांकि वो एक अलग विषय है डिस्कशन का मैं उतना

तो ये पांच रिट तो इस एक्सप्रेसली मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में तो क्या पांच ही रिट है ऐसी बात नहीं है अगर आप थर्टी टू के लैंग्वेज को पढ़ेंगे लिखे, लिखा है उसमें रिट इन दी नेचर ऑफ हैवियस कार्पस मैंडमस प्रोहिबिशन सरसीन की नेचर ऑफ तो, इसका मतलब इस तरीके की और भी रिट इशू हो सकती हैं तो इस तरीके की और भी लेकिन पांच रिट का इनोमरेशन है इन पांचों रिट के माध्यम से फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट किया जा सकता है तो यह संविधान में उपचार की व्यवस्था है रिट के लिए एक अलग से चैप्टर एक अलग से लेक्चर हमने निर्धारित किया है आपके इसी टेन मॉड्यूल के अंदर तो एक में हम लोगों ने रिट की व्यवस्था समझनी है और मैं आपको बताऊंगा इसमें पांचों रिट के अलग अलग क्या मतलब है या कब इशू की जा सकती है किसके खिलाफ इशू की जा सकती है इसको मैं बताऊंगा लेकिन इस जंक्चर पर आपको यह समझना है कि अगर प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा आप के अधिकारों का हनन किया जाता है और वह आपका मूल अधिकार है तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में थर्टी टू और टू ट्वेंटी तो यहां तो था 32 और 226। अब में आप जाएंगे तो आपके पास संविधान में ही लिखा हुआ है आर्टिकल दो आर्टिकल 300 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करेंगे तो सेक्शन सत्तर ये भी आपको कॉन्ट्रैक्ट में दिख जाएगा ये दोनों संविधान में दिख जाएगा भारत के संविधान में आर्टिकल दो सौ निन्यानवे आर्टिकल तीन सौ ये सामान्य उपचार उपलब्ध है प्रशासनिक प्राधिकारियों के खिलाफ जैसे कॉन्ट्रैक्ट के लिए और टार्ट के लिए कोई प्रशासनिक प्राधिकारी है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच कर देता है तो उसके लिए क्या उपचार उपलब्ध है दो सौ निन्यानवे में लिखा हुआ है अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी है जो टार्ट कमिट कर देता है आपके अगेंस्ट और आप उससे हैं तो उसके लिए क्या उपचार उपलब्ध है आर्टिकल में लिखा तो दायित्व तो था संविधान के आने के पहले आप जाएंगे तो देखेंगे हमारे पास था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार अधिनियम उन्नीस सौ पैंतीस भारत सरकार अधिनियम उन्नीस सौ पैंतीस में क्या लिखा हुआ था उसका एक सेक्शन था जिसमें लिखा हुआ था गवर्नमेंट कोई अगर टार्ट कमिट करता है तो उसके लिए वही रिस्पांसिबिलिटी होगी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पहले था अब नाइनटीन थर्टी फाइव के पहले जाएंगे तो फिर क्या था उसके पहले हमारे पास था अधिनियम उन्नीस सौ उन्नीस उन्नीस सौ उन्नीस में क्या लिखा हुआ था उसमें फिर लिखा हुआ है कि इस अधिनियम के आने के पहले जो दायित्व तो था वही दायित्व तो होगा तो उसके पहले अगर आप जाएंगे तो आपके पास था भारत सरकार अधिनियम उन्नीस सौ नौ जिसमें मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड और मार्लिमेंटो रिफॉर्म बोलते हैं इन दोनों को उन्नीस सौ नौ में जब आप जाएंगे उसमें भी लिखा हुआ था कि सरकार का दायित्व तो वही होगा जो इस अधिनियम के पहले था फिर आप जाएंगे तो आपको चार्टर दिखेगा अठारह सौ तिरसठ का चार्टर दिखेगा तो ऐसे करते करते जब आप पीछे जाएंगे तो एक केस आपको मिलेगी उस केस का नाम है पीएनओ स्टीम नेविगेशन कंपनी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया ये बड़ी लीडिंग सी केस थी जो डिसाइड की गई थी कोर्ट के द्वारा इन सारे अधिनियमों के पहले और उसमें इंग्लिश कोर्ट ने डिसाइड किया था कि सावरेन एक्ट और नॉन सावरेन एक्ट उसमें कोर्ट ने स्टेट के एक्शन को स्टेट के एक्ट को दो भाग में बांट दिया था उन्होंने यह बोला था कि अगर स्टेट का सावरेन एक्ट होगा संप्रभु का कार्य होगा तो स्टेट की कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं होगी टार्ट के मामले में और अगर स्टेट का जो एक्शन होगा वो असंप्रभु होगा नॉन फंक्शन होगा तब स्टेट की लाइबिलिटी होगी तो दो भागों में इन्होंने बांट दिया और तब से लेके यही चलता था कि भाई सावरेन एक्ट के लिए स्टेट की कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं है लेकिन नॉन सावरेन एक्ट के लिए स्टेट की रिस्पांसिबिलिटी है अब क्वेश्चन है कि संप्रभु कार्य कौन है और असंप्रभु कार्य कौन है वट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन सावरन एंड नॉन सावरन फंक्शन इसको लेकर के भी तमाम डिमार्केशन था कि ये सावरेन फंक्शन है वो अपने ऑफिस के एम्प्लॉयमेंट में काम करना चाहिए जिसको हम बोलते हैं कलर इन ऑफिस में काम करना चाहिए कोर्स ऑफ एम्प्लायमेंट होना चाहिए अगर उस दौरान कोई पब्लिक प्राधिकारी कोई टार्ड कमिट कर देता है तो वो सावरेन फंक्शन है उसके लिए स्टेट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी लेकिन भारत में संविधान आने के बाद इस चीज को थोड़ा रिलैक्स किया गया क्योंकि संविधान आने के बाद सावरेंटी तो पीपल के अंदर आ गई अब स्टेट की जो सावरेंटी थी किंग कैन डू नो रॉन्ग जो ब्रिटिश ब्रिटेन का प्रिंसिपल था जो भारत में चलता था संविधान के पहले वो सारा डाइल्यूट हो गया क्योंकि अब संविधान जो है वो जनता का दस्तावेज है और जनता संप्रभु है तो क्वेश्चन है कि अब इम्यूनिटी इम्यूनिटी किसके लिए जो आप जो आप हम बोल रहे हैं फंक्शन के लिए नो ऑफ स्टेट तो ये और यह डॉक्ट्रिन किसके ऊपर लागू होगी इसको लेकर के एक बड़ी लीडिंग केस सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड हुई उसका नाम था विद्यावती वर्सिस स्टेट ऑफ राजस्थान और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने नॉन सावरिन और सावरिन फंक्शन डिमार्केशन को खत्म कर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं संविधान आने के बाद सावरेन और नॉन सावरिन फंक्शन की कोई बात नहीं है और हमेशा का हमेशा सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अगर टार्ट कमिट करेगी उसमें आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन

तमाम केसेस हैं अगर एक दो नहीं मतलब नंबर आप केसेस उसमें डिसाइडेड है रूदल शाह से लेकर खतरे वर्ष स्टेट ऑफ बिहार जिसको पॉपुलरली उन्होंने भागलपुर ब्लाइंडिंग केस और इस तरीके से लेकर चंद्रमा दास का जजमेंट देखेंगे नीलवती बेहरा का जजमेंट देखेंगे एक दो नहीं मतलब हजारों जजमेंट आपको देखेंगे जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल टार्ट पे सुप्रीम कोर्ट हैज अवॉर्डेड कंपनसेशन टू द विक्टी मेनी अ टाइम्स ठीक है तो ये एक है कि सामान्य उपचार क्या है और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज क्या है तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज में हम लोगों ने देख लिया रिट में आप जा सकते हैं फंडामेंटल राइट के लिए सामान्य उपचार ਮੈਂ ਹਮ ਲੋਗੋ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ आर्टिकल 299 एंड 300 कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है धारा सत्तर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करता है नॉन ग्रेचेट एक्ट के लिए ठीक है तो ये सारे सामान्य उपचार हमको उपलब्ध हैं सरकार के खिलाफ तो ये क्षेत्र था प्रशासनिक विधि का क्या क्या क्षेत्र था देखिए स्क्रीन पर जो हाथ से हमने लिखा हुआ है पॉइंट नंबर वन हम लोगों ने देखा इनके गठन शक्ति और कार्य क्या होंगे इनका पहला क्षेत्र है दूसरा प्रशासनिक विधि का क्षेत्र है प्रक्रिया क्या अपनाएंगे तीसरा प्रशासनिक विधि का क्षेत्र है इन प्रक्रिया पर नियंत्रण क्या होगा और चौथा प्रशासनिक विधि का क्षेत्र है कि इस नियंत्रण के लिए उप

प्रशासनिक विधि का उद्देश्य उपयोगिता एवं महत्व अब दूसरे पॉइंट की हम बात करते हैं प्रशासनिक विधि का उद्देश्य उपयोगिता एवं महत्व तो देखिए इसका उद्देश्य उपयोगिता और महत्व की अगर हम बात करें तो ये क्यों इसकी उपयोगिता क्या है इसका महत्व क्या है इसका उद्देश्य क्या है चूंकि प्रशासनिक विधि का डेवलपमेंट जो हुआ है उसके रीजन ये सारे हैं क्या रीजन है जैसे सबसे पहला है कल्याणकारी राज्य की स्थापना ये इसका उपयोगिता है क्योंकि अब हमारा जो राज्य है वो क्या है वेलफेयर स्टेट बोलते हैं हम इसको वेलफेयर स्टेट है पहले लेसेस फेयर स्टेट था अब ये वेलफेयर स्टेट है कल्याणकारी राज्य बोलते हैं इसको हिंदी में कल्याणकारी राज्य तो ये इसकी पहली उपयोगिता है क्योंकि वेलफेयर स्टेट का क्या मतलब होता है वेलफेयर स्टेट का मतलब वह स्टेट जो व्यक्तियों के अपने लोगों के क्रियाकलापों के बारे में ज्यादा ध्यान रखे स्टेट मस्ट हैव मच मोर कंसर्न अबाउट द एक्टिविटी ऑफ है ऐसे स्टेट को हम बोलते हैं लोक कल्याणकारी राज्य तो भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है कब संविधान आने के बाद तो इसलिए अप्रशासनिक विधि का ज्यादा उपयोग हो गया क्योंकि अब प्रशासन में बैठे हुए लोगों को प्रशासन नहीं करना है जबकि वो गुड गवर्नेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है गवर्नेंस करना है गवर्नमेंट नहीं देना है ठीक है ना मैक्सिमम गवर्नेंस एंड मिनिमम गवर्नमेंट ये होना चाहिए इसको हम बोलते हैं लोक कल्याणकारी राज्य तो गवर्नेंस का मतलब जनता जनार्दन के बेनिफिट के लिए जनता जनार्दन के वेलफेयर के लिए काम करना है आपको शक्तियां प्रदान किस चीज़ के लिए की गई हैं उनके अधिकारों को हनन करने के लिए नहीं उनके कर्तव्यों उनके अधिकारों के सुरक्षा के लिए दी गई हैं तो इसलिए लोक कल्याणकारी राज्य में इसकी ज़्यादा उपयोगिता है क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों को जनता के बेनिफिट के लिए काम करना है तो ये लोक कल्याणकारी राज्य है इसलिए इसकी उपयोगिता है दूसरा आप देखें सेकेंड पॉइंट में यहां पर लिखने जा रहा हूं पहला पॉइंट था सेकेंड पॉइंट इसकी उपयोगिता और महत्व तो क्या है कानून बनाना देखिए विधानमंडल हमेशा का हमेशा लेजिस्लेचर कानून बनाएगा ऐसा नहीं है लेजिस्लेचर सारा कानून बना देगा यह संभव नहीं है हालांकि मुख्य काम किसका है लेजिस्लेचर का टू लेजिस्लेट लेकिन सारा लेजिस्लेशन लेजिस्लेचर नहीं बना देता लेजिस्लेचर के पास बहुत सारे काम है तो इसलिए क्या करते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन करते हैं और सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन बनवाते हैं किससे इनसे प्रशासनिक अधिकारियों से, से एग्जीक्यूटिव से तो इसमें लेजिस्लेचर का जो काम है ना इसमें भी बड़ा काम हो गया क्योंकि ये प्रशासनिक विधि का जो महत्व तो है ये बढ़ गया क्योंकि ये लेजिस्लेचर के काम में भी हाथ बटाती है सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन भी ये बनाती है हालांकि उसके बड़े कंडीशंस हैं जिसको हम लोग पढ़ेंगे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के चैप्टर में बाद में लेकिन ये है कि निश्चित रूप से ये लेजिस्लेचर के काम में भी हाथ बटाते हैं तो ये है इनका लेजिस्लेचर हो जाने से ये दूसरी इनकी उपयोगिता है तीसरा इनका देखेंगे अगर तीसरी इनकी उपयोगिता क्या है कि इनको डिस्क्रिशनरी पावर बहुत दे दिया गया है डिस्क्रिशनरी पावर क्योंकि डिस्क्रिशनरी पावर देना बहुत जरूरी है इसलिए जरूरी है कि बहुत ऐसे सिचुएशन तुरंत से अराइज हो जाते हैं जिसमें विवेक का प्रयोग करके आपको काम करने की जरूरत है तो विवेक का प्रयोग करेंगे किस चीज के लिए विवेक इस चीज के लिए नहीं कि हम अपने शक्तियों का दुरुपयोग करें नहीं विवेक का प्रयोग इसलिए ताकि हम जनता के ज्यादा फायदा में काम कर सकें इसके लिए विवेक की शक्तियां दी गई जिनको हम डिस्क्रिप्सनरी पावर बोलते हैं तो डिस्क्रिप्शनरी पावर के लिए हम लोगों को ऐसे काम करना है ठीक है ना तो यह डिस्क्रिप्सनरी पावर अब इसके बाद जो चौथा है डिस्क्रिशनरी पावर पे नियंत्रण क्या होगा कंट्रोल कंट्रोल ओवर डिस्क्रिशनरी पावर तो कंट्रोल जब हम करते हैं तो इसमें प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर कंट्रोल क्या है आप डिस्क्रिप्शन का बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं और किसी के अधिकारों का हनन न हो जाए हालांकि आपको रिस्पांसिबिलिटी हनन करने के लिए नहीं दी गई है लेकिन बाय द वे अगर आप हनन करने ही लगते हैं तो उसके लिए कंट्रोल क्या है और कंट्रोल करते हुए उपचार क्या उपलब्ध है पीड़ित पक्षकार को तो ये सारे इसके महत्व हैं अगर आप देखेंगे प्रशासनिक विधि के तो ये सारे महत्व की बात करते हैं कि वेलफेयर स्टेट है इसलिए इसका महत्व ज़्यादा है चूंकि लेजिस्लेचर के काम को भी बाईलॉज और रूल रेगुलेशन बना के आप करते हैं इसलिए इनका ज्यादा महत्व है चूंकि ये विवेकाधिकार की शक्तियाँ इनको प्रदान की गई हैं जनता जनार्दन के अधिकारों की सुरक्षा के लिए इसलिए इसका ज्यादा महत्व और उपयोगिता है और चौथा ये है कि उससे उपचार लोगों को मिलता है बहुत ज़्यादा लोगों को रेमेडीज प्रोवाइड होती हैं ये इसका महत्व है तो ये जो दूसरी लाइन थी प्रशासनिक विधि का उद्देश्य उपयोगिता और महत्व इसमें इन तीन चार पॉइंट से हम लोगों ने इसको समझने का प्रयास किया अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं अगली स्लाइड जो हमारी है वो किस चीज की बात करती है देखिए जो अगली स्लाइड है वो कहती है प्रशासनिक विधि के स्रोत क्या है और प्रशासनिक विधि और संवैधानिक विधि में आ, क्या संबंध है तो सबसे पहले दूसरे पॉइंट को हम करते हैं प्रशासनिक विधि और संवैधानिक विधि में क्या रिलेशनशिप है ध्यान दीजिए तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि संवैधानिक विधि की ये सिस्टर कंसर्न है, है प्रशासनिक विधि तो इन सबों में संबंध क्या है जैसे देखिए पहला संबंध आप देखें फर्स्ट प्रशासनिक विधि जो है यह केवल एग्जीक्यूटिव ऑर्गन पे फोकस है ये कार्यपालिका शक्ति की बात करती है लेकिन संवैधानिक विधि किस चीज़ की बात करती है संवैधानिक विधि तीनों ऑर्गन की बात करती है अगर आप भारत के संविधान को देखेंगे उसमें कार्यपालिका भी दिखेगी उसमें न्यायपालिका भी दिखेगी उसमें विधायिका भी, भी दिखेगी लेकिन जब प्रशासनिक विधि में आप आएंगे तो केवल प्रशासनिक प्राधिकारियों की बात की गई है जिसमें एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है तो दोनों में ये है फर्क थोड़ा सा ये एक ऑर्गन की बात करती है प्रशासनिक विधि केवल एग्जीक्यूटिव ऑर्गन की संवैधानिक विधि तीनों ऑर्गन की बात करती है ये पहला पॉइंट है ये दोनों में ये रिलेशनशिप है तो रिलेशनशिप कहाँ तक है ओनली अप टू द एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ स्टेट बस इसके अलावा दो जो ऑर्गन है वो संविधान के इंटैक्ट है इनसे ज्यादा है ना कम टू पॉइंट नंबर सेकंड दूसरे पे आइए दूसरा इनका क्या संबंध है दूसरा संबंध ये है संवैधानिक विधि जो है वह निष्क्रिय अथवा अगतिशील रूप में है यह निष्क्रिय और अगतिशील है संवैधानिक विधि और प्रशासनिक विधि क्या है यह गतिशील है यह डायनेमिक है डायनेमिक है जिसको हम बोलते हैं मूविंग है मूविंग ये जो है इसको कह सकते हैं मोशन में नहीं है नॉट इन मोशन नॉट इन मोशन जिसको हम रेस्ट कर सकते हैं रेस्ट की विधि है और यह मोशन की विधि है

तीसरा रिलेशन इसमें देखिए थर्ड पॉइंट थर्ड पॉइंट है कि संवैधानिक विधि जनता के अधिकारों जिसमें मूल अधिकार भी सम्मिलित है उसका वर्णन करती है जबकि प्रशासनिक विधि किस चीज की बात करती है ये कहती है अगर अधिकारों का उल्लंघन हो गया तो उपचार क्या उपलब्ध है तो संवैधानिक विधि में जब आप जाएंगे तो यह फंडामेंटल राइट्स की बात करती है प्रशासनिक विधि इसके इन्फोर्समेंट की बात करती है ध्यान दीजिए इन्फोर्समेंट तो व्हाट आर दी राइट्स पर्टिकुलरली फंडामेंटल राइट्स ये कौन बताएगा संविधान में लिखा हुआ है संविधान के भाग तीन में देखिए छह मूल अधिकार हैं पहले सात मूल अधिकार थे लेकिन प्रशासनिक विधि बताती है कि अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन हो गया तो रिट में आप जा सकते हैं रिट में क्या क्या कंडीशन है यह सब प्रशासनिक विधि में लिखा हुआ है तो एक अधिकार को बताती है दूसरे उसके उपचार की प्रक्रिया बताती है ठीक है ना ये दोनों में रिलेशन इसके बाद चौथे पॉइंट पे आइए थोड़ा सा फोर्थ पॉइंट इन दोनों में क्या रिलेशन है फोर्थ पॉइंट है कि संवैधानिक विधि देश की सर्वोच्च विधि है ध्यान दीजिए सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है सुप्रीम लॉ जबकि प्रशासनिक विधि इसकी सिस्टर है सिस्टर कंसर्न है ध्यान दीजिए सिस्टर कंसर्न तो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है संवैधानिक विधि देश की सबसे बड़ी कानून कोई भी कानून इवन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ शुड नॉट बिन कंट्रावेंशन टू द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अगर प्रशासनिक विधि भी संवैधानिक विधि के कंट्राडिक्शन में आ जाएगी तो क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगी अप टू द एक्सटेंट ऑफ कंट्रावेंशन बी ये आर्टिकल थर्टीन में लिखा हुआ है जिसको हम डॉक्टर से, से भी समझ सकते हैं तो आपको किसी भी कानून को संवैधानिक विधि के उल्लंघन में नहीं रहना है इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ये भी इनका एक रिलेशन है तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे संवैधानिक विधि और प्रशासनिक विधि में क्या रिलेशन है तो ये तीन चार पॉइंट के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास किया हालांकि इसमें रिलेशन को बहुत लंबे समय तक हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं बहुत पॉइंट हैं इसमें हर एक पॉइंट पर हम संबंध निकाल सकते हैं लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मोटा मोटी पॉइंट को टेकअप किया और मैंने आपको बताया ये सारे पॉइंट हैं जिसमें हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और संवैधानिक विधि के संबंधों की चर्चा कर सकते हैं अब आगे देखिए इसमें आगे जो पॉइंट है वो है पहला वाला पॉइंट पहला पॉइंट है प्रशासनिक विधि के स्रोत क्या है ध्यान दीजिए प्रशासनिक विधि के सोर्सेस क्या है कहाँ से प्रशासनिक विधि निकल के आती है तो जब सोर्सेस पे हम आएंगे देखिए इसके स्रोत क्या हैं स्रोत में फिर कई पॉइंट हैं एक दो तीन चार ये सब इसके स्रोत हैं देखिए कौन कौन स्रोत हैं मैं एक एक लिख करके आपको बता दूं जल्दी जल्दी प्रशासनिक विधि का स्रोत सबसे पहला इसका स्रोत है संवैधानिक विधि संवैधानिक विधि इसका पहला स्रोत है ध्यान दीजिए कैसे संवैधानिक विधि इसका पहला स्रोत है क्योंकि प्रशासनिक विधि एग्जीक्यूटिव की बात करता है एडमिनिस्ट्रेटिव प्राधिकारियों की बात करता है और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ किसको बताता है एग्जीक्यूटिव ऑर्गन का पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो कहाँ पे दिया गया है वो संविधान में दिया गया है तो एक तरीके से संवैधानिक विधि स्रोत बताती है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का कि हमारे यहाँ से ही निकल के आपको आगे जाना है सोर्सेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ लाइज इन दी वॉर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ठीक है ना तो कॉन्स्टिट्यूशन से निकल के आता है एग्जीक्यूटिव के सारी चीजों को संविधान में बताया गया है तो पहला इसका स्रोत है संवैधानिक विधि दूसरा इसका स्रोत क्या है देखिए दूसरा इसका स्रोत है संवैधानिक विधि के कतिपय सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स भी बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स जैसे रूल ऑफ लॉ जैसे सेपरेशन ऑफ पार सेपरेशन ऑफ पार ध्यान दीजिए एटसेट्रा रूल ऑफ लॉ विधि का शासन होना चाहिए ये कहाँ पे लिखा हुआ है यह संवैधानिक विधि के सिद्धांत है प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स बोलते हैं इक्वालिटी फंडामेंटल राइट रूल ऑफ लॉ पे आधारित है क्योंकि रूल ऑफ लॉ में होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ रूल ऑफ लॉ तो समानता का अधिकार तो रूल ऑफ लॉ एक प्रशासनिक विधि का स्रोत है और कहाँ से निकल के आता है संविधान से निकल के आता है संवैधानिक सिद्धांतों से निकल के आता है सेपरेशन ऑफ पावर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर और जुडिशियरी तीन आर्गन है तीनों अपने अपने फील्ड में काम करेंगे ये पावर कहां से निकल के आता है ये संविधान से निकल के आता है ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स हैं ये भी स्रोत है प्रशासनिक विधि का तो इस तरीके से साबरन इम्यूनिटी की आप बात कर लीजिए साबरन इम्यूनिटी जो आर्टिकल थ्री हंड्रेड में अभी हम लोगों ने देखा ये कहाँ से निकल के आता है ये संविधान से निकल के आता तो है तो संवैधानिक प्रिंसिपल्स जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के सोर्सेस हैं ठीक है, है ना तो एक तो संविधान खुद दूसरा संवैधानिक प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्टर ये भी इसके स्रोत हैं। तीसरे पॉइंट पे आइए तीसरा इसका स्रोत क्या है तीसरा इसका स्रोत है प्रीसीडेंट ध्यान दीजिए पूर्व निर्णय बोलते हैं इसको प्रीसीडेंट को बोलते हैं है पूर्ण पूर्व निर्णय पूर्व निर्णय जो निर्णय दे दिए गए हैं न्यायपालिका के द्वारा न्यायपालिका के द्वारा दिए गए पूर्व निर्णय जो हैं ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के स्रोत बनते हैं जैसे बहुत ऐसे सिद्धांत हैं जो न्यायपालिका के द्वारा प्रोपाउंडेड हैं। न्यायपालिका के द्वारा प्रोपाउंडेड हैं जो बाद में प्रशासनिक विधि की हिस्सा बन गई ठीक है ना तो बहुत ऐसे आप सुप्रीम कोर्ट के भी डिसीजन को देखेंगे जिसमें सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में जो प्रिंसिपल्स लेट डाउन किए गए जैसे रीजन डिसीजन फॉर एग्जांपल, जब आप डिसीजन देंगे तो उसमें रीजन होना चाहिए स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए ये जुडिशियल डिसीजन है और जुडिशियल डिसीजन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के स्रोत बन जाते हैं तो पूर्व निर्णय भी जो इसके स्रोत बनते हैं तो पहला हम लोगों ने देखा संवैधानिक विधि दूसरा हम लोगों ने देखा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल इसके स्रोत हैं तीसरा हम लोगों ने देखा प्रेसिडेंट इसके स्रोत हैं और चौथा अगर देखेंगे आप तो चौथा जो पॉइंट है वह संबिधिया तथा तो प्रत्यायोजित विधायन ध्यान दीजिए संबिधियां और प्रत्यायोजित विधायन जैसे लेजिसलेशन डेलीगेटेड लेजिस्लेशंस ये भी इसके स्रोत हैं लेजिस्लेशन से भी प्रशासनिक विधि निकलती है और डेलीगेटेड से भी निकलती है और पांचवा अगर आप देखेंगे तो ऑर्डिनेंस बाय द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स ऑर्डिनेंस जो अध्यादेश प्रख्यापित किया जाता है अगर आप देखेंगे भारत के संविधान में आर्टिकल एक सौ और 213, 123 में भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है और 213 में देखेंगे गवर्नर को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है तो ये सारी शक्तियां इन लोगों को दी गई हैं तो ये सारे संवैधानिक मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के सोर्सेस हैं तो ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ निकल के आता है अब अगली स्लाइड पर चलते हैं अगली स्लाइड है, है प्रशासनिक विधि का उद्भव एवं विकास प्रशासनिक विधि का उद्भव और विकास क्या है तो इसमें देखेंगे तमाम कंट्री में आप देखें इंग्लैंड में अगर आप देखें प्रशासनिक विधि का उद्भव तो इंग्लैंड में देखेंगे इंग्लैंड में बहुत पहले से प्रशासनिक विधि का बोल चल रहा है और यह एवीडाई से लेकर के और जो स्कॉलर्स की आप बात करेंगे तो वहाँ पर रूल ऑफ लॉ ये सारे प्रिंसिपल जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के हैं ये प्रोपाउंड किए गए हैं इंग्लैंड में और बहुत सारे लेजिस्लेशन बाद में भी बने हैं वहाँ पर जिसमें इंग्लैंड में इसको प्रतिपादित किया गया समय के कारण मैं उन सारे लेजिस्लेशन की जिक्र यहां पे नहीं कर रहा हूं अमेरिका में अगर आप जाएंगे तो अमेरिका में प्रशासनिक विधि का कम थोड़ा सा था क्योंकि वहां पे सेपरेशन ऑफ पावर की बात हुई थी सेपरेशन ऑफ पावर भी एक प्रिंसिपल है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का जो मॉन्टेस्क्यू ने दे सपरेशन ऑफ पावर अगर देखेंगे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है कई ऐसे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के जिसमें वो बोलते हैं कि नहीं भाई सेपरेशन ऑफ पावर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स तो उनके एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर और जुडिशियरी अलग अलग फंक्शन करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा भी हुआ है तो उनके यहां ये ये रहा है आज तक देखेंगे दो तरीके के न्यायालय होते थे एक लोक प्राधिकारियों और व्यक्तियों के बीच के विवादों को निपटारा करने वाला और एक व्यक्तियों और व्यक्तियों के बीच में निपटारा करने वाला था ड्राइट एडमिनिस्ट्रेटिव भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का हिस्सा था तो फ्रांस में भी इसका बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है और भारत में जब आप देखेंगे तो भारत में प्राचीन से लेकर के और मध्यकालीन भारत से लेकर के और आधुनिक भारत में आ पाएंगे भारत के संविधान के बाद भी तो प्रशासनिक विधि का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है अगर प्राचीन भारत की बात करें आप राम राज्य से उठा सकते हैं और बहुत ऐसे आइडियल किंगडम को उठा सकते हैं भारत में जो इतिहास में बड़े नोन हैं और जो गुड गवर्नेंस के लिए जाने जाते थे जिसमें राजा आपने राज्य की जनता के अच्छाई के लिए सब कुछ नेौछावर कर दिया था तो ऐसे भी हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन रहे हैं और आज देखेंगे भारत के संविधान आने के बाद तो बहुत ऐसी विधियाँ डेवलप की गई हैं बहुत ऐसे प्रिंसिपल ले डाउन किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का डेवलपमेंट हमारे यहां भी हुआ है तो इस तरीके से भारत में भी इसका बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है तो हम लोगों ने इस विषय में क्या क्या देख लिया हम लोगों ने इस विषय में देख लिया कि भाई इसकी परिभाषा क्या है प्रशासनिक विधि की इसका अर्थ क्या है इसका महत्व क्या है इसकी उपयोगिता क्या है हम लोगों ने यह भी देख लिया कि इस, इसका स्रोत क्या है हम लोगों ने यह भी देख लिया संवैधानिक विधि और प्रशासनिक विधि में संबंध क्या है हम लोगों ने यह भी देख लिया कि तमाम इसके जो जुडिशियल डिसीजन है और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है इसका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पे क्या प्रभाव पड़ा है और लास्टली हम लोगों ने देखा कि इसमें ब्रिटेन में और फ्रांस में और अमेरिका में और भारत में इसका उद्भव और विकास कैसे कैसे हुआ हालांकि इस पॉइंट पे थोड़ा कम हम लोगों ने फोकस किया क्योंकि ये सेपरेट डिस्कशन हमको एक मॉड्यूल में मिलेगा इसलिए इसको बहुत ज़्यादा हम डिस्कस यहाँ पे नहीं कर रहे हैं तो इस तरीके से हम लोगों ने इन सारे चीज़ों को डिस्कस किया एक इंट्रोडक्शन था पूरे सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन को हम लोगों ने इस तरीके से किया तो मुझे से ये मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको प्रशासनिक विधि का एक इंट्रोडक्शन इसकी रूपरेखा इसकी परिभाषा इसका विषय क्षेत्र और इसमें प्रशासनिक अधिकारियों की शक्तियाँ इनके ऊपर नियंत्रण इनके विरुद्ध उपचार ये सारे आपको समझ आए होंगे और इस, इस स्टेटमेंट के साथ मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ थैंक यू सो वेरी मच फॉर पेशेंस शेयरिंग और थैंक यू सो मच धन्यवाद Hello and welcome to this piece of literary snippet. We usually know William Shakespeare as the most revered figure in the history of English literature. But we often tend to forget that he has also been one of the most hated figures in literature. And here I am not talking only about those boys and girls who have to memorize long sections from Macbeth or King Lear or Julius Caesar uh, before they can go and sit for their school and, or college exams. But I am also talking about people who are themselves quite famous authors. Tolstoy, for instance, considered the writings of Shakespeare to be, and I quote, crude. Immoral, vulgar, and senseless. George Bernard Shaw absolutely loathed Shakespeare as he did Homer. But perhaps no other criticism about Shakespeare is more damaging than the one which says that Shakespeare is a marvelous storyteller, provided someone has told him the story earlier. Now, this piece of criticism is particularly damaging because it is true. None of Shakespeare's plays contain any original story whatsoever. They are all written using pre existing materials, pre existing stories. Now, does that diminish the stature of Shakespeare as a dramatist? Well, I'll leave that for you to decide. See you in the next episode of Literary Snippets.